ऐसे स्कॉलरशिप के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपकी पूरी अंडर ग्रेजुएट की फीस, लैपटॉप, ट्रैवल अलाउंस, फूड, हॉस्टल के एक्सपेंसेस को कवर करेगा। प्लस आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अंडर ग्रेजुएशन या ड्यूरिंग द अंडर ग्रेजुएशन प्रोसेस इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करेगी। अगर आप क्लास 12 में हो एंड आपके मार्क्स अच्छे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए। वाहनी स्कॉलरशिप के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ई स्कॉलरशिप को अप्लाई कैसे करना है, सभी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखना, ये स्कॉलरशिप आपकी जिंदगी बदल सकती है। ड्यूरिंग आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्स में वाहिनी स्कॉलरशिप आपको क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी उसकी लिस्ट में वन आफ्टर द अदर आपको बताते जाऊंगी। फर्स्ट है कि आपके फुल्ली अंडर ग्रेजुएट कोर्स की फीस कवर हो जाएगा, मतलब वो 3 इयर्स का कोर्स रहने दो या 4 इयर्स का कोर्स रहने दो, वो पूरी फीस वहाँ पे कवर हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कोई टेक्निकल एजुकेशन पढ़ाई कर रहे हो जहाँ पे आपको लैपटॉप की या कंप्यूटर की ज़रूरत है तो उसके भी चार्जेस वाहिनी स्कॉलरशिप कवर करेगी एंड मैक्सिमम वैल्यू होगा 45,000 रुपीज़ तक की आप लैपटॉप परचेज कर सकते हैं एंड उसके बिल क्लेम करके आप उसका रिवॉर्ड वापस ले सकते हो। देन आप अगर आउटसाइडर हो, मतलब हॉस्टेलाइट हो या आउट ऑफ स्टेशन आप पढ़ाई कर रहे हो घर छोड़ के, तो आपके हॉस्टल प्लस अगर आप पीजी में पढ़ाई कर रहे हो तो पीजी, मतलब स्टे और फूड अलाउंसेस भी इसमें कवर हो जाएंगे। एंड मैंडेटरली आपके टेक्स्ट बुक्स, मतलब आपके पढ़ाई के लिए जो जो भी टेक्स्ट बुक्स आपको यूजफुल रहेंगे उसको भी आप परचेज कर रहे हो तो उसके भी आपको अलाउंसेस मिल जाएंगे। यहाँ पे आपके ट्रैवल अलाउंसेस भी कवर हो जाएंगे, जैसे आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंस रहते हैं, कॉलेज टू यूनिवर्सिटी ट्रैवल हो गया या यूनिवर्सिटी टू होम ट्रैवल हो गया, उसके भी एक्सपेंसेस यहाँ पे कवर हो जाएंगे। यूजुअली स्टूडेंट को क्लास 12 के बाद क्या करना है पता नहीं रहता है या प्रॉपर गाइडेंस नहीं रहता है, कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी चूज करना है पता नहीं रहता है, उसके लिए वाहिनी स्कॉलरशिप वाले टेक केयर करेंगे आपको करियर काउंसलिंग करके। वन ऑन वन मेंटरशिप होगा जहाँ पे आपके साइकोलॉजी, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड बेस्ड ऑन दैट आपका फ्यूचर क्या है इसके बेसिस पे आपको कौन सा कोर्स ऑप्ट करना है वो भी आपको गाइड करेंगे। देन आपकी स्किल सेट इम्प्रूव करने के लिए वर्कशॉप्स हैंडल किए जाएंगे जहाँ पे आपके एकेडमिक प्लस प्रोफेशनल की स्किल सेट एनहांसमेंट होगी। 3 इयर्स का फुल फ्लेज्ड इंग्लिश प्रोग्राम कंडक्ट किया जाएगा टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल। देन एट द एंड ऑफ योर ग्रेजुएशन और नियर टू दैट आपके लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को होस्ट किया जाएगा जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपकी CV कैसे प्रिपेयर करना है, आपको इंटरव्यूज कैसे हैंडल करना है, ये तक भी वाहिनी स्कॉलरशिप टेक केयर करेगा। आफ्टर कंप्लीशन और ड्यूरिंग द अंडर ग्रेजुएशन कोर्स, आप सबको पता है इन दिस कम्पिटिटिव वर्ल्ड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है, इसके लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल। तो वाहिनी स्कॉलरशिप ये टेक केयर करता है आपके अलॉन्ग विथ एजुकेशन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज को भी आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, थ्रू दैट यू कैन एक्सपीरियंस द प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स। वाहिनी स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज बहुत सिंपल है, जैसे कि यू मस्ट बी द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, मतलब आप क्लास 12 में पढ़ाई करने रहनी चाहिए कोई भी डिसिप्लिन के अंडर, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, कोई भी डिसिप्लिन के अंडर आप क्लास 12 में हो तो देन यू आर एलिजिबल टू apply for this scholarship। And आपकी family income less than 3 lakhs rupees per annum रहनी चाहिए, then you are eligible to apply for this scholarship। And ये scholarship September से December तक इसके applications open है, थोड़ा बहुत time आपको मिलेगा ये scholarship को apply करने के लिए, so ज़्यादा से ज़्यादा student ये scholarship को apply करे, don't miss the beautiful opportunity which is waiting for you। ये scholarship को apply कैसे करना है वो मैं आपको explain करूँगी, but उससे पहले इस video को like ज़रूर करना। एंड ये स्कॉलरशिप के बारे में आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट में मेंशन करना, मैं आपके सारी क्वेरीज को हैंडल करूंगी। ये स्कॉलरशिप की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करो, देन आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा वाहिनी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर हो तो लॉगिन पे क्लिक करके आप अपने ईमेल आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हो तो आपको रजिस्टर करना होगा विद द फॉलोइंग डिटेल्स लाइक फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, कंफर्म द ईमेल आईडी, देन 10-digit मोबाइल नंबर, कंफर्म द सेम, देन एंटर योर पासवर्ड एंड कंफर्म द सेम। मैं हर वीडियो में स्टूडेंट्स को ये बताती हूँ एंड वाहिनी स्कॉलरशिप का एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि आपकी ईमेल आईडी एंड फोन नंबर करेक्ट दीजिए, क्योंकि फर्दर कम्युनिकेशन इसके साथ ही हो जाता है अगर आप शॉर्टलिस्ट हो रहे हो तो।
वंस यू आर डन विथ रजिस्ट्रेशन आपको लॉग इन करना होगा आपकी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड यूज करके. वंस यू लॉग इन आपको 11 डिफरेंट फॉर्म्स दिखेंगे जो आपको ये स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए फिल करना होगा. स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन बहुत लंबी होगी तो हैव सम पेशेंस टू फिल ऑल द डिटेल्स करेक्टली. फर्स्ट हम बिगिन करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ, जहाँ पे आपको फॉर्म में दिखेगा आपका एप्लीकेशन आईडी एंड नीचे आपको आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम मेंशन करना है. साथ ही आपको आपका डेट ऑफ बर्थ, देन आपका प्लेस ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, जेंडर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा. देन आपको एक ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा, अगर आप ये स्कॉलरशिप में शॉर्टलिस्ट हो रहे हो तो आपका इंटरव्यू होगा इन द मंथ ऑफ दिसंबर और जनवरी में. फॉर दैट आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा जो एक्टिव रहेगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन यू नीड टू आंसर इज व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर कॉलेज, मतलब क्लास 12 खत्म करके आप अपना अंडर ग्रेजुएट कोर्स कौन से ईयर में ले रहे हो, 2024 या 25, वो भी आप ड्रॉपडाउन में से सेलेक्ट करके बता सकते हो. देन आपको प्रोवाइड करना होगा आपका आधार कार्ड एंड पैन कार्ड नंबर. पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं है, अगर आपका ऑलरेडी है तो आप उसका नंबर प्रोवाइड कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन यू नीड टू आंसर इज हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दिस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी, जहां नीचे ड्रॉपडाउन में से आप सेलेक्ट कर सकते हो अदर ऑप्शन एंड टाइप कर सकते हो आपको वीना देशपांडे यूट्यूब चैनल से ये स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन पता चला है. एंड अगर आप कोई सीनियर स्कॉलर, मतलब ऑलरेडी जो वाहिनी स्कॉलरशिप को विन कर अपना ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा है या कंप्लीट किया है, अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपके पास है तो उसका डिटेल आप प्रोवाइड कर सकते हो. देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. Now you need to provide your family details like your father and mother or the guardian if you have. उनकी details आपको provide करना होगा. Let's begin with your father details. Name of your father, contact detail, occupation, education, then उनकी email ID, pan card and आधार card number आपको provide करना पड़ेगा. Same with your mother detail. अगर आपके पेरेंट्स को छोड़ के कोई और आपके एजुकेशनल एक्सपेंसेस को कवर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अ गार्डियन, तो उनके डिटेल्स यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हो इफ इट इज एप्लीकेबल फॉर यू. उनका नेम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट इज योर रिलेशनशिप, मतलब ड्रॉपडाउन में एग्जाम्पल्स दिए वहां से सेलेक्ट करो. अलॉन्ग विद दैट आपको प्रोवाइड करना होगा उनका कॉन्टैक्ट एड्रेस, मतलब कम्युनिकेशन एड्रेस, अलॉन्ग विद पिन कोड आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा. यहाँ पे आपको फ्यू डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा. जैसे कि मैंने पहले बताया था, वाहिनी स्कॉलरशिप आपके लैपटॉप चार्जेस को कवर करती है. आप ऑलरेडी परचेज किए हो तो लैपटॉप का फोटो कैप्चर करके अपलोड कीजिए. अगर आपके घर में टू व्हीलर है तो आप उसका फोटो कैप्चर करके अपलोड कर सकते हो. आपका एक फैमिली फोटो आप अपलोड कर सकते हो. देन अगर आपके घर में फोर व्हीलर भी है तो आप उसका भी फोटो कैप्चर करके अपलोड कर सकते हो. देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन टू प्रोवाइड द फर्दर इन्फॉर्मेशन. एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना होगा लाइक रेशन कार्ड नंबर, टोटल नंबर ऑफ अर्निंग फैमिली मेंबर्स, टोटल एनुअल इनकम, देन टोटल डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स एट योर होम, मतलब कोई और आपका भाई या बहन है जो पढ़ाई कर रहे हैं वो उनका भी एजुकेशन एक्सपेंस है तो उसका नंबर आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको थोड़े बहुत ड्रॉपडाउन में ऑप्शंस मिलेंगे फर्दर क्वेश्चन के, उसको येस और नो या उसके रिलेवेंट ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए. देन अपलोड द इनकम सर्टिफिकेट एंड क्लिक ऑन द सेव एंड अपडेट. नाउ यू नीड टू प्रोवाइड द डिटेल अबाउट योर कम्युनिकेशन एड्रेस, जहाँ पे आपका करंट एड्रेस अलॉन्ग विथ योर पिन कोड मेंशन करना होगा. अगर आपका करंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप चेकबॉक्स क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे जा सकते हो. देन आपको प्रोवाइड करना होगा आपका एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, मतलब आपका नेम ऑफ द स्कूल, एड्रेस, फिर ड्रॉपडाउन में से ऑप्शन सेलेक्ट करो. एंड वाहिनी स्कॉलरशिप वांट्स टू अंडरस्टैंड आपकी इंग्लिश और कंप्यूटर की नॉलेज क्या लेवल पे है, मतलब बिगिनर लेवल पे हो या एडवांस लेवल पे हो, आप ड्रॉपडाउन में से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो. देन क्लिक ऑन द सेव एंड नेक्स्ट बटन. यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे आपके एकेडमिक डिटेल्स लाइक क्लास 10, 11 एंड 12, जहाँ पे आपको मेंशन करना होगा आपका बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, देन ईयर ऑफ पासिंग, उसके साथ आपका टोटल नंबर ऑफ मार्क्स क्या था एंड आप कितने ऑप्टेन किए हो. आप एंटर करोगे तो आपका परसेंटेज ऑटोमेटिकली वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा. देन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्लास 10 और 11 का आप डिटेल्स भर दोगे बट क्लास 12 आपके रिजल्ट जब भी अनाउंस हो जाएंगे तभी आपको वापस आके ये फॉर्म को अपडेट करना होगा. नेक्स्ट फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको फिल करना है, कॉलेज प्रेफरेंस, मतलब क्लास 12 के बाद आप कौन से कॉलेज में कौन से कोर्स पढ़ाई करना चाहते हो उसके बारे में आपको डिटेल्स प्रोवाइड करना है. यहाँ पे आप मैक्सिमम 3 प्रेफरेंसेस फिल कर सकते हो लाइक द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन यू वॉन्ट टू स्टडी, द स्टेट एंड द डिग्री वॉट यू वॉन्ट टू परस्यू इन योर लाइफ. तो यहाँ पे मैक्सिमम आप 3 डिफरेंट कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हो. अगर आप 3 प्रेफरेंसेस सेट करने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है देन यू कैन डिलीट ईदर ऑफ देम एंड सेट फॉर अनदर प्रेफरेंस, नहीं तो गिवन इन्फॉर्मेशन में आप ऑल्टर भी कर सकते हो.
नेक्स्ट आपके अगर कोई अपने प्रीवियस एकेडमिक ईयर में या करंट एकेडमिक ईयर में कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट किए हो, लिस्ट यहाँ पे अलग अलग है, आप देख के उसको सेलेक्ट कर सकते हो। दैट शोकेसेस द वाहिनी स्कॉलरशिप। आप एकेडमिक्स छोड़ के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्वमेंट है आपका। आई होप ये स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन आपको बेनिफिशियल है। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट फेज ऑफ द एप्लीकेशन है ऐसे, जहाँ पे वाहिनी स्कॉलरशिप अंडरस्टैंड करना चाहती है आपको इन अ बेहतर वे, तो उसके लिए आपको 3 क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ेगा। राइट अ एसे फॉर दिस एंड देयर इज अ स्पेशल नोट दैट यू हैव टू राइट दिस ऑन योर ओन। आपको इंटरनेट से कॉपी या कोई भी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन को कैंसिल किया जाएगा। डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी बाय डूइंग सम इनसेन एक्टिविटीज। यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस आंसर करना होगा। फर्स्ट दैट विल डिस्क्राइब कि आपकी एम्बिशन क्या है, आप फ्यूचर में बनना क्या चाहते हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री, उसके बारे में अराउंड 200 वर्ड्स में आप आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन, आपकी फैमिली की बैकग्राउंड के बारे में आपको एक्सप्रेस करना होगा, जैसे कि आपका फैमिली का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कितने अर्निंग फैमिली मेंबर्स हैं, कितने डिपेंडेंट है, जैसे कि आपके मदर इज़ नॉट वर्किंग, आपके सिबलिंग्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो सभी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन आपको ये आंसर करना है, जैसे कि हैव यू फेस्ड एनी चैलेंजेस इन योर लाइफ, मतलब आपकी ड्यूरिंग एजुकेशन में आपने कोई भी चैलेंजेस फेस किया हो एंड उसको आपने कैसे फेस किया एंड कैसे ओवरकम किया, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। दैट शोज हाउ स्ट्रांग यू आर। क्लिक ऑन सेव एंड अपडेट बटन। नाउ आपको प्रोवाइड करना होगा एडिशनल एप्लीकेशन की डिटेल्स, लाइक अगर आप फिजिकली चैलेंज हो या मेडिकली चैलेंज हो तो उसके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए। देन अगर आपने अपार्ट फ्रॉम वाहिनी स्कॉलरशिप कोई और स्कॉलरशिप अप्लाई किए हो एंड उसको विन किए हो तो उसके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए, लाइक नेम ऑफ द स्कॉलरशिप एंड आपको कितना रिवॉर्ड मिला था। देन आपको और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, दैट इज बैंक अकाउंट डिटेल्स। एज अ स्टूडेंट आपके पास बैंक अकाउंट रहना बहुत मैंडेटरी है, तो उसके भी डिटेल्स आप प्रोवाइड कीजिए। अलॉन्ग विद दैट आपके पेरेंट्स के भी बैंक अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड करना होगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी क्लास 10th में आपका परसेंटेज 85 रहना मैंडेटरी है। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू। साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंटिल नेक्स्ट टाइम।